अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। सो जनाब, अगर आप मेरी वीडियोस पिछले कुछ दिनों से रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता है कि हम लोग इस वक्त फिजिकल एक्टिविटी सीरीज कर रहे हैं, यानी जिस्मानी सरगर्मियों से रिलेटेड हम रोजाना एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जनाब, जब मुख्तलिफ किस्म की जिस्मानी सरगर्मियाँ आप करते हैं तो उसके अंदर हमारी कितनी तवानाई जो है वो खर्च होती है। और डेफिनेटली जो लोग खास तौर पे वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जनाब, जितनी हम फिजिकल एक्टिविटी, जितनी इंटेंसिटी, जितनी शिद्दत की और जितने दौरानिए की हम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा जिस्म से कितनी कैलोरीज जो हैं वो खर्च हो रही हैं, कितनी तवानाई हमारा जिस्म उसको खर्च करता है। सो जनाब, पहली चीज़ तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि आपका जो जिस्म का तवानाई खर्च करना है वो प्रीडोमिनेंटली मुनहसर होता है आपके जिस्म के वजन के ऊपर। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है नॉर्मली उनके लिए अच्छी खबर यह है कि उनका जिस्मानी सरगर्मी करने से ज्यादा तवानाई खर्च होती है, जो जाहिर है उनके वजन कम करने के लिए ज्यादा मुफीद है। और जिन लोगों का वजन कम होता है उनका जिस्म निस्बतन कम तवानाई खर्च करता है मुख्तलिफ किस्म की जिस्मानी सरगर्मियों के ऊपर। सो जनाब, मैंने अपने पास जो हम पाकिस्तान में ज़्यादातर जिस्मानी सरगर्मियाँ या ज़्यादातर खेल खेलते हैं उनके हिसाब से और डिफरेंट बॉडी वेट्स के हिसाब से मैंने नोट कर लिए थे अपने पास। रेफरेंस भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा सो दैट जहाँ पे भी आप बात कर सकें आप बहुत तसल्ली के साथ बात कर सकें। सो मैं आपको बताता जाता हूँ, तीन डिफरेंट बॉडी वेट्स के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। जाहिर है ज़्यादा फोकस आज की वीडियो का उन लोगों के लिए है जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। सो 77 kg, 77 kg, 86 kg यानी 86 kg और 95 kg यानी 95 kg, इनके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि जब इसके करीब करीब आपका वजन होता है, इन तीन कैटेगरीज के करीब जब आपका वजन होता है और आप एक घंटे के लिए जिस्मानी सरगर्मी कोई भी करते हैं तो कितनी तवानाई आपका जिस्म खर्च करता है, सादा अल्फाज में कितनी कैलोरीज आप खर्च करते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी जिस्मानी सरगर्मी को आधा घंटा करते हैं तो जो नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो फिगर्स बताने जा रहा हूं, उसको आप आधा कर लें, उसको दो से डिवाइड कर दें तो आपकी वो आधे घंटे की जो है वो फाइंडिंग निकल आएगी। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैडमिंटन से। अगर आप रोजाना एक घंटा, जितनी भी मैं फिगर्स बताऊंगा वो एक घंटे के हिसाब से हैं। सो अगर आप रोजाना एक घंटा बैडमिंटन खेलते हैं और आपका जिस्म का वजन 77 kg है तो आप 365 कैलोरीज खर्च करेंगे। अगर 86 kg वजन है तो 410 कैलोरीज खर्च करेंगे और अगर 95 kg वजन है तो 451 कैलोरीज आप खर्च कर रहे होंगे। अगर आप साइकिल चलाते हैं एक नॉर्मल स्पीड के ऊपर तो आपका जिस्म जो है वो 649 कैलोरीज खर्च करेगा 77 किलोग्राम होने की सूरत में, 728 कैलोरीज खर्च करेगा 86 किलोग्राम वजन होने की सूरत में और 802 कैलोरीज खर्च करेगा 95 किलोग्राम वजन होने की सूरत में। इसी तरह से आगे जितनी भी एक्टिविटीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तरतीब से 77 किलोग्राम, 86 किलोग्राम और 95 किलोग्राम वजन वाले अफराद के लिए हैं। हाइकिंग अगर आप करते हैं तो आप 487, 546 और 602 कैलोरीज खर्च करेंगे अगर आप एक घंटे के लिए हाइकिंग करते हैं। हॉकी अगर आप खेलते हैं तो आप 649, 728 और 802 कैलोरीज खर्च कर रहे होंगे। जॉगिंग अगर आप एक घंटे के लिए करते हैं तो आप 568, 637 और 702 कैलोरीज खर्च करेंगे। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं, सॉकर जिसको हम कहते हैं, तो आप 568, 637 और 702 कैलोरीज यानी जॉगिंग के बराबर ही आप खर्च कर रहे होंगे। अगर आप स्विमिंग या तैराकी करते हैं तो आप 487, 546 और 602 कैलोरीज खर्च करेंगे। यानी ऐसे अफराद जिनका वजन 77 किलोग्राम है वो 487 कैलोरीज खर्च करेंगे, ऐसे अफराद जिनका वजन 86 किलोग्राम है वो 546 कैलोरीज खर्च करेंगे और ऐसे अफराद जिनका वजन 95 किलोग्राम या उसके करीब है वो 602 कैलोरीज खर्च करेंगे
एक घंटा तैराकी करने के बाद। इसके अलावा अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि तकरीबन ब्रिस्क वॉक आपने इतनी शिद्दत से करनी है कि अगर आप एक घंटा चलें तो आप 3.5 मील का जो फासला है वो तय करें। सो ब्रिस्क वॉक करने की सूरत में आप 308, 386 और 381 कैलोरीज खर्च कर सकते हैं। अगर आपका वजन तरतीबवार 77 किलोग्राम, 86 किलोग्राम और 95 किलोग्राम है। इसके अलावा अगर आप रस्सी कूदते हैं, अगर आप मार्शल आर्ट्स करते हैं, दौड़ लगाते हैं 6 मील फी घंटा के हिसाब से, या ट्रेडमिल के ऊपर 6 मील फी घंटा के हिसाब से चलते हैं या दौड़ते हैं, तो फिर सेम तरह की कैलोरीज आप खर्च करते हैं। यानी इन चारों में से कोई भी आप एक्टिविटी चूज करें, यानी मार्शल आर्ट्स, दौड़ लगाना, ट्रेडमिल करना 6 मील फी घंटा के हिसाब से, या रस्सी फैलांगना, तो आप 812 कैलोरीज खर्च करेंगे अगर आपका वजन 77 किलोग्राम के करीब है, 910 कैलोरीज खर्च करेंगे अगर आपका वजन 86 किलोग्राम के करीब है, और 1003 कैलोरीज खर्च करेंगे अगर आपका वजन 95 किलोग्राम के करीब। सो जनाब, बहुत सारी और भी फिजिकल एक्टिविटीज या जिस्मानी सरगर्मियां हैं जिनको करके आप अपनी मुख्तलिफ नंबर ऑफ कैलोरीज आप खर्च कर सकते हैं। जाहिर है सबको कवर करना मेरे लिए इस वीडियो में पॉसिबल नहीं था, और वो यकीनी तौर पे बहुत ज्यादा बोरिंग भी हो जाता। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक के ऊपर जाके खुद से देख सकते हैं कि आप जिस किस्म की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर कितनी तवानाई आपका जिस्म खर्च करता है, और जितनी दौरानियां आप करते हैं उसके हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 15 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो भी मैंने आपको आज मिसालें दी, तो आप इसी नंबर को 4 से डिवाइड कर लें। अगर आप आधा घंटा करते हैं तो इसी नंबर को 2 से डिवाइड कर लें। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको अंदाजा हुआ होगा कि डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज के नतीजे में कितनी आपकी बॉडी कैलोरीज कंज्यूम करती है। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक जरूर कर दें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। कॉमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन कौन से फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और कितनी ड्यूरेशन के लिए करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, सो दैट सब लोगों का बेनिफिट हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।